16 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान के इतिहास का वो पन्ना है जिसे वो कभी पलटना नहीं चाहता। इधर भारत 1971 की जीत का जश्न मना रहा है तो उधर पाकिस्तान बांग्लादेश को खोने के गम में डूबा है। ट्विटर पर भारतीय पाकिस्तान के बंदी बनाए गए 93,000 सैनिकों का जिक्र गर्व से कर रहे हैं। ट्विटर पर इस वक्त 93,000 टॉप ट्रेंड में है। वहीं एक वीडियो ने इस मौके पर पाकिस्तान के जख्म को हरा कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के क्रांतिकारी शायर हबीब जलीब का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के क्रांतिकारी शायर हबीब जलीब का एक वीडियो देखिए जिसमें वो वहाँ के हुक्मरानों को बांग्लादेश को भूलकर कश्मीर की रट लगाने को लेकर कोस रहे हैं। हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूँ वो जिक्र वादिये कश्मीर करते हैं। बांग्लादेश में हार के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है लेकिन भारत के जाबाजों से लगातार उसे शिकस्त मिलती रहती है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। विजय दिवस पर जहां पाकिस्तान में मातम है तो वहीं भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को भारत से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। भारतीय सेना ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़ने तय हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया पर किस तरह से मजाक उड़ रहा है। इस ट्वीट को ही लीजिए जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाते हैं। दुर्गेश चौहान नाम के एक यूजर ने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी और भारत के सामने कुछ इस तरह से सरेंडर किया था। इस यूजर ने सरेंडर के वक्त की तस्वीरें भी शेयर की है। एक दूसरे यूजर ने भारतीय सेना की हॉबी के बारे में लिखा है कि भारतीय सेना की हॉबी सिर्फ एक है और वो है जीत, जो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विजय दिवस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जमकर मजे लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान को औकात में रहने को बोल रहे हैं। ऐसे में आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।